शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर धमाल जारी है। हालांकि अब पठान को लेकर कंगना रनौत और उर्फी जावेद के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है। दरअसल पिछले दिनों फिल्म प्रोड्यूसर प्रिया गुप्ता ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके लिखा था कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को पठान की सफलता के लिए बधाई। इससे ये साबित होता है कि हिंदू मुस्लिम दोनों ही शाहरुख से प्यार करते हैं। दूसरी बात, बॉयकॉट विवाद से फिल्म को नुकसान नहीं फायदा हुआ है। तीसरी बात, इरोटिक और अच्छा म्यूजिक काम करता है। और चौथा, भारत सुपर सेक्युलर है। वहीं प्रिया के इस ट्वीट को कंगना रीट्वीट करते हुए लिखती हैं कि बहुत अच्छा एनालिसिस है, देश ने सिर्फ और सिर्फ खान्स को ही प्यार किया है और कभी कभी सिर्फ खान्स को ही करते हैं, इसलिए भारत पर नफरत और फांसीवाद का आरोप लगाना बहुत गलत है, दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं है। अब कंगना के ट्वीट पर उर्फी ने पलटवार करते हुए लिखा कि हे ईश्वर, ये क्या बंटवारा है, मुस्लिम अभिनेता हिंदू अभिनेता, कला को धर्म के नाम पर नहीं बांटा जाता। वहीं उर्फी के इस ट्वीट के बाद कंगना कहां चुप बैठने वाली थी। फिर कंगना ने जवाब देते हुए लिखा, हाँ मेरी प्यारी उर्फी, ये एक आदर्श दुनिया होगी, लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे पास समान नागरिक संहिता नहीं है। जब तक ये देश संविधान में बटा हुआ है तब तक ये विभाजित ही रहेगा। आइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से साल 2024 के मैनिफेस्टो में हम सभी समान नागरिक संहिता की मांग करें। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? अब कंगना के इस ट्वीट पर उर्फी जावेद ने लिखा, मैम यूनिफॉर्म मेरे लिए कोई बैड आइडिया है, मैं तो पॉपुलर ही कपड़ों की वजह से हूँ। अब बात करें उर्फी की, तो हमेशा ही वो अपने कपड़ों की वजह से सुर्खियों का हिस्सा रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पठान की जमकर तारीफ की थी। तो वहीं कंगना की बात करें तो वो भी पठान की तारीफ करने से पीछे नहीं रही हैं। बता दें कि फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है।